वेलकम टू नेहा जी ने किचन। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़े का चिकन चपली कबाब बर्गर, और ऊपर से हमने मोजरेला चीज़ डाले हैं। बहुत ही मज़े का है, आप देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी इसके हम प्रिपरेशन करते हैं। इसके लिए मैंने हैंडफुल ऑफ कोरिएंडर, हाफ ऑनियन और हाफ रेड बेल पेपर को अच्छे से हम चॉप कर देंगे। ये कबाब बहुत ही जल्दी बन जाता है। आप इसका कोई भी शेप दे सकते हैं, इसे आप सीख कर भी शेप दे सकते हैं। ये देखिए, अच्छे से हमने चॉप कर दिया है। अभी हम डाल देंगे 500 ग्राम बोनलेस चिकन। आप इसमें मिर्च भी डाल सकते हैं। देखिए, इसे भी अच्छे से हम चॉप कर देंगे। इसमें हम डाल देंगे कुछ ड्राई स्पाइसेस, 1 स्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून पेपर पाउडर, 1 स्पून चाट मसाला, 1/2 टी चिली फ्लेक्स, पिंच ऑफ गरम मसाला पाउडर। सारे ड्राई स्पाइसेस हमने डाल दिया है। इसमें हम डाल देंगे सॉल्ट। सॉल्ट अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। फिर से हम इसे चॉप कर देंगे अच्छी तरह से। इसमें हमने पानी का बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया है। ये थोड़े से सॉफ्ट बनते हैं, इसका बैटर भी सॉफ्ट होता है, कबाब भी मज़े के सॉफ्ट एंड मॉइस्ट बनते हैं। चिकन का बैटर हमारा सॉफ्ट है क्योंकि इसमें हमने कोई भी फ्लावर का यूज़ नहीं किया है। कबाब के मिक्सचर में चने का आटा भी यूज़ होता है, जिसकी वजह से सारा चिकन का जो मॉइस्चर है वो एब्जॉर्ब हो जाता है, बट हमने नहीं यूज़ किया है क्योंकि हम सिंपल और झटपट वाले चपली कबाब बना रहे हैं। ये देखिए, ये लेटस को भी मैंने अच्छे से फाइनली कट कर दिया है। टोमेटोज को भी मैंने स्लाइस में कट कर दिया है। चिकन के बैटर को मैंने थोड़ा सा रेस्ट करने रखे हैं, आप चाहे तो ओवरनाइट भी रख सकते हैं। हाथ पे हम तेल लगा देंगे ताकि हमारा बैटर स्टिक नहीं हो, और जितना आपको बड़े साइज़ का चाहिए उस तरह से पाम पे हमें शेप दे देना है। अगर आपके पास इस तरह का पैन नहीं है तो नॉर्मल पैन भी आप यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादा प्रेस नहीं करना है क्योंकि बैटर हमारा पतला है। बस इसे फिंगर की मदद से हम अच्छे से गोल शेप दे देंगे। इस तरह से मैंने चारों कबाब को अच्छे से शेप दे दिया है। फ्लेम हमारी मीडियम रहेगी, इसे हम अभी फ्लिप कर देंगे। इसी तरह से टर्न करते रहना है और हमारे कबाब को एक परफेक्ट कलर आ जाए, जब तक हमें अच्छे से इसे कुक करना है। ये सेकेंड टाइम हम इसे टर्न कर रहे हैं। अच्छे से हमारी चिकन भी कुक हो जाएगी और कबाब में भी मज़े का कलर आ जाएगा। ज़्यादा डार्क नहीं करना है, बस हल्का सा ब्राउन हो जाए। देखिए, उसके ऊपर हम डाल देंगे चीज़, और चीज़ डालने के बाद में इसे हमने ढक के रख दिया है ताकि चीज़ हमारी मेल्ट हो जाए। एक बैच हमारा रेडी हो गया है, इसी तरह से हम सेकंड भी रेडी कर देंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहले पैन में हम ऑयल लगा देंगे, फिर सेम हल्के हाथों से इस तरह से हम अच्छे से शेप दे देंगे। कबाब रेडी होने के बाद में ऊपर से हम मोजरेला चीज़ रख देंगे। आप स्लाइस चीज़ भी रख सकते हैं, ये मैंने रेडीमेड बन यूज़ किया है। देखिए, बन के ऊपर सबसे पहले हम लगा देंगे मायो, अच्छे से इवनली सब जगह स्प्रेड कर देंगे। इसी तरह से हमने सारे ब्रेड पे लगा दिया है। फिर अभी हम इसमें डाल देंगे लेटिस। वेजिटेबल्स आपको जो पसंद है आप यूज़ कर सकते हैं। फिर इसके ऊपर हम रख देंगे मज़े का चटपटा सा कबाब। मैंने दो दो पीस रखे हैं, ये बच्चों के लिए हम 1 पीस रखेंगे। ये मैंने छोटे साइज़ के बनाए हैं, आप चाहे तो इसे डबल साइज़ के भी बना सकते हैं। टोमेटो केचप डालने के बाद में इसके ऊपर हम रख देंगे टोमेटो। आप इसमें मस्टर्ड सॉस भी यूज़ कर सकते हैं या बारबेक्यू सॉस, आपको जो सॉस पसंद है आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। मुझे सिंपल तरीके से बनाना था जो जल्दी से बन जाए और टेस्ट में भी मज़े का रहे। देखिए, पैन में मैंने घी डाल दिया है, आप इसमें बटर का भी यूज़ कर सकते हैं। और उसके ऊपर हमने बर्गर जो हमने रेडी किए थे वो रख दिया है ताकि ब्रेड हमारा क्रिस्पी हो जाए। इसे आप गरम सर्व करें, बहुत ही मज़े का लगता है। चीज़ की क्वांटिटी आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। बच्चों को टिफिन में देने के लिए ये परफेक्ट रेसिपी है। आप देख सकते हैं कितनी आसान तरीके से हमने ये झटपट से मज़े के बर्गर बना दिए हैं। अभी हम इसे कर रहे हैं डिश आउट। ये हमारे चपली कबाब बर्गर आपको कैसे लगे मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए। थोड़ा सा अट्रैक्टिव दिखाने के लिए मैंने टूथपिक में, मेरे पास बेबी टोमेटोज थे उसको मैंने डाल के इस तरह से बर्गर में मैंने डाल दिया है ताकि ये अट्रैक्टिव दिखे।
बर्गर तो हमारा इतना मज़े का बना है, मैं अभी आपको कट करके दिखाती हूँ कितना सॉफ्ट है। हमारे चपली कबाब तो इतने मज़े के चटपटे से बने हैं। 1000 सब्सक्राइबर्स का जो गोल है वो जल्दी से कंप्लीट हो जाए, आप सब भी मेरा सपोर्ट करें। ये देखिए अंदर से देखिए कितना मज़े का है, डबल कबाब का फ्लेवर तो इतना मज़े का आ रहा है, सॉफ्ट एंड जूसी कबाब है। आपने अगर ये रेसिपी बनाया है तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए, और ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। बर्गर में आप कितने भी वेजीज खाओ बहुत अच्छा लगता है। देखिए साइड में मैंने लेटेस रख दिया है, ये बन गया हमारा चटपट लंच बॉक्स रेडी। आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। देखिए कितना सॉफ्ट है कबाब तो हमारा, इतना मज़े का है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ स्टे हेल्दी, बाय।